and welcome to this channel. Guys, in this video, we are going to see the important books which you can study to crack NDA and NA written examination in a short span of time. As you are seeing in the thumbnail that it is mentioned about NDA 2020-21 book list, best book to crack NDA written examination. If you study these books, you will have a more chance to get 600 plus mark in your written examination. Yes friends, you heard it right. If you study these books, you will get 600 plus marks. आज की इस वीडियो में मैं कुछ इम्पॉर्टेंट बुक्स के बारे में बात करने जा रहा हूँ, जिसके स्टडी करने से आपको एग्जाम में हाई से हाई मार्क आने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, चैनल को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स अपने कलीग्स के साथ शेयर कर दें। और इस चैनल पर भी NDA 2020-21 रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी चल रही है, तो अगर आप इस चैनल की तैयारी करना चाहते हैं तो आप इस चैनल से जुड़ें और चैनल के प्लेलिस्ट में जाके कई सारे वीडियो जैसे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, कैलकुलस, ट्रिग्नोमेट्री, बाइनोमियल थ्योरम के ट्रिक्स के वीडियो बना चुके हैं, आप उन्हें जाकर देख सकते हैं और क्वेश्चंस उन सारी वीडियो से एज इट इज़ एग्जाम में आ जाते हैं। तो आज का इस वीडियो का नाम रहेगा मिशन 600+। अब हम बात करेंगे अपने बुक्स के बारे में, सो स्टे ट्यून्ड इन दिस वीडियो टिल द एंड। अब इसके लिए सबसे पहले आपको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि एग्जाम का पैटर्न क्या होता है। तो रिटन एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, सबसे पहले तो आपके पास दो पेपर होते हैं एग्जाम में, एक मैथ के पेपर और एक गैट के पेपर। गैट मतलब जनरल एबिलिटी टेस्ट। गैट में भी तीन चार सेक्शन होते हैं, एक इंग्लिश रहते हैं और जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर साइंस आते हैं, सोशल साइंस आते हैं और करंट अफेयर्स आते हैं इन शॉर्ट्स। एंड मैथमेटिक्स इज फॉर 2.5 आवर्स, इट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 120 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन इज 2.5 मार्क, सो टोटल इट इज 300 मार्क, एंड इट हैज़ गॉट अ निगेटिव मार्किंग ऑफ अराउंड 0.833333। एंड जनरल एबिलिटी टेस्ट में ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स से होते हैं, सो 54 200 मार्क्स इंग्लिश होता है और बाकी जनरल नॉलेज 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स का होता है, और इसमें नेगेटिव मार्क 1/3 मतलब 1.333 होते हैं। अब ये तो रहा आपका रिटन का पार्ट, दिस इज द पार्ट ऑफ योर रिटन एग्जामिनेशन। इफ़ यू क्लियर द रिटन एग्जामिनेशन ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, देन यू विल हैव टू गो थ्रू अ इंटरव्यू प्रोसेस, दैट इंटरव्यू नेम इज SSB इंटरव्यू, इन विच यू विल बी कॉल्ड टू वेरियस SSB सेंटर्स विच आर स्प्रेड अक्रॉस द नेशन, एंड यू विल बी इंटरव्यूड फॉर 5 डेज, एंड आफ्टर दैट फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी मेड टू गेट इट इन टू द नेशनल डिफेंस अकेडमी। तो आपको अभी तक आपको सिलेबस मालूम हो गया होगा, अब हम बढ़ते हैं अपने बुक लिस्ट की ओर। अब देखिए यहाँ पे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज लिखा हुआ है, जैसे कि अगर आप पहले ही अटेम्प्ट में, पहले ही प्रयास में NDA क्रैक करना चाहते हैं, क्रैक NDA इन फर्स्ट अटेम्प्ट, then you will have to follow some important books and those books are of very much important. So crack NDA NA 2021, as I told you earlier, books to be followed, score 600+. So now for mathematics section must do books for mathematics section, 11th standard NCERT books and 12th standard NCERT books, you all must be thorough with 11th and 12th NCERT books for concept building. If you want to build up your basics, अगर आप अपना basics, अपना concepts आप शुरू से start करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको 11th और 12th के NCERT में थरो होना चाहिए। ये मैथ के लिए था। अब आते हैं साइंस के पोर्शन की ओर, साइंस के पोर्शन की ओर बेसिक को पढ़ने के लिए, टू स्टडी दी बेसिक, टू मेक अ कॉन्सेप्ट क्लियर कट इन योर माइंड, यू विल हैव टू स्टडी 9th and 10th स्टैंडर्ड साइंस बुक, that could be of NCERT or you can study any other private publication book like S. Chand, which is written by Lakhmir Singh and Manjeet Kaur. अगर आप साइंस के कॉन्सेप्ट बिल्डअप करना चाहते हैं तो आप 9th and 10th के साइंस बुक लेकर पढ़ सकते हैं NCERT का, या कोई प्राइवेट बुक S. Chand वगैरह 9th और 10th का ही लेकर पढ़ सकते हैं। आपको 11th और 12th के NCERT पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फ्रॉम दैट इट इज़ नॉट ऑफ दैट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आर कमिंग। इफ़ यू आर थरो विद दिस 9th and 10th साइंस,
in science section out of 50 questions, you will be able to score around 40 questions in science with just these two books. Now for preparation of history, you have to study the 8th standard history book. 8th standard history book, mainly the national movement part of syllabus. Because if you look at the syllabus of National Defence Academy written examination, in the history syllabus, maximum portion is covered from the national movement only. ज़्यादा से ज़्यादा portion ये history में national movement से ज़्यादा है, जो कि 8th standard के history book में detail में analyze किया गया है. इसमें दो part है. 8th standard के history book has got two part, part 1 and part 2. Study both the books thoroughly. This is the enough for competing history portion of the NDA written examination. Till now we have discussed the books for basic concept clearance. अभी तक हमने basic concept clear करने के लिए beginner के लिए बताया. अब हम बात करते हैं important guides के बारे में, क्योंकि बेसिक क्लियर करने के बाद आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पड़ेंगे. आपको गाइडेंस की ज़रूरत है, आपको स्ट्रेटजी की ज़रूरत है, आपको शॉर्ट ट्रिक्स की ज़रूरत है, और कई तरह के इम्पॉर्टेंट फार्मूलेस, इम्पॉर्टेंट जीकेस करंट अफेयर्स की ज़रूरत है. तो इसके लिए मैं आपको कुछ गाइड बताने जा रहा हूँ, जिससे आप पहले ही प्रयास में ही ये एग्ज़ाम निकाल लेंगे. तो हियर आर द लिस्ट ऑफ बुक्स अदर देन NCERT जो कि पहले मेंशन किया गया फॉर स्कोरिंग बेटर. सो द फर्स्ट बुक फॉर यू इन द लाइन इज पाथ फाइंडर नेशनल डिफेंस अकेडमी. द बुक विच इज कमिंग ऑन योर स्क्रीन इज कंसिडर्ड एज द ब्रह्मास्त्र फॉर नेशनल डिफेंस अकेडमी, बिकॉज मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हु क्लियर्ड देयर रिटन एग्जामिनेशन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, दे से दैट पाथ फाइंडर इज द one of the best book to crack NDA written examination. Even if you talk about the topper who was in the year 2021 for NDA 1 2020 topper of NDA whose name was Ronit Ranjan from Odisha, he also emphasized about this Pathfinder book. जो NDA 2021 में ऑल इंडिया रैंक वन आया था जिनका, रोनित रंजन नायक फ्रॉम ओडिशा, ही ऑल्सो टोल्ड दैट Pathfinder, ही स्टडीड मेनली Pathfinder सो दैट ही कुड स्कोर 580 मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन. एंड विद दिस 580 मार्क इन रिटन एग्जामिनेशन ही वॉज टॉपर अमंग हिज बैच. सो Pathfinder इज अवेलेबल इन बोथ दी लैंग्वेज. ये दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में. और इस Pathfinder में आपको क्या क्या मिलेगा? आपको एक तो मैथ मिलेगा, साइंस मिलेगा, सोशल साइंस मिलेगा, और अदर पार्ट ऑफ स्टैटिक जीके मिलेगा. मतलब ये ऑल इन वन का बुक है Pathfinder अरिहंत. दिस Pathfinder इज पब्लिश्ड बाय कंपनी कॉल्ड अरिहंत. सो यू हैव टू सी दैट अरिहंत बुक. एंड इट कॉस्ट अराउंड 550 रुपीज ऑन फ्लिपकार्ट. यू कैन बाई इट. दिस इज वेरी वेरी मच इंपॉर्टेंट टू क्रैक NDA एग्जामिनेशन. एंड मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स हैव क्रैक द NDA एग्जामिनेशन ओनली स्टडिंग दिस बुक ओनली. सो आई विल शो यू द हिंदी वर्सन ऑफ दिस बुक. सी दिस इज द हिंदी वर्सन ऑफ दिस बुक. इट इज अवेलेबल इन द हिंदी ऑल्सो. एंड यू कैन सी दैट अभी आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि ये न्यू एडिशन है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है 2020-2021 संस्करण. मतलब ये नया एडिशन है. सी दिस इज अवेलेबल इन हिंदी टू क्रैक NDA एंड NA. एंड इन दिस मोर देन 8000 प्लस MCQ क्वेश्चंस आर देयर. दिस इज दिस टू बुक्स विच आई टोल्ड यू. नाउ दिस इज फॉर ऑल दिस सब्जेक्ट. नाउ वी विल टॉक अबाउट फॉर द GK पार्ट. फॉर GK पार्ट यू विल हैव टू स्टडी द बुक कॉल्ड Lucent GK और अरिहंत GK. इफ यू हैव Lucent GK विथ यू देन वेल एंड इनफ. दैट इज इनफ टू क्रैक द GK पोर्शन. एंड दिस ये Lucent GK दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में अवेलेबल है. Lucent GK इसमें आपको सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स लाइक सोशल साइंस, साइंस और GK स्टैटिक पार्ट आपको मिल जाएगा. अगर आप इस बुक को खोलेंगे, इफ यू ओपन दिस GK बुक, देन यू विल गेट सम हाईलाइटेड पॉइंट विद द पिंक कलर.
यू नीड टू स्टडी ओनली दोज हाईलाइटेड पॉइंट इन दिस पिंक इन दिस जीके बुक बिकॉज क्वेश्चंस आर आस्क्ड फ्रॉम दैट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ओनली. सो दिस इज द इंग्लिश वर्सन ऑफ द बुक फॉर जीएस पार्ट टू क्रैक एनडीए रिटन एग्जामिनेशन एंड दिस इज द हिंदी वर्सन ऑफ द सेम बुक लूसेंट बुक. यू शुड सी द कंपनी. सी दिस इज अगेन लूसेंट. दिस इज वेरीफाइड होलोग्राम इज हियर. So Lucent book is again very much important book to crack general study portion of NDA written examination. In ये Lucent जो हिंदी medium वाला book है, ये हिंदी medium student के लिए है जो हिंदी medium से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये हिंदी medium के book आप prefer कर सकते हैं. लेकिन अगर आप ये Lucent book afford नहीं कर पा रहे हैं तो आपके लिए एक option और है. आपको तो अरिहंत के बारे में पता होगा और ये अरिहंत भी अपना जीके बुक पब्लिश करता है एवरी ईयर. एवरी ईयर इट पब्लिशेस इट्स जीके बुक. लाइक आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 2020 का एडिशन है, ये 2021 का एडिशन है, ये मतलब अभी तक का लेटेस्ट एडिशन है 2021 का. तो अगर आप लूसेंट को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपको मार्केट में नहीं मिल रहा है, तो आप अरिहंत पर भी फुल भरोसा रख सकते हैं. और इस बुक में भी दोनों एडिशन अवेलेबल हैं. बोथ दी एडिशंस आर अवेलेबल, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी एडिशंस, एंड लेटेस्ट एडिशंस आर आल्सो अवेलेबल. एंड द थिंग इज दैट लूसेंट बुक इज नॉट अवेलेबल एवरीवेयर इन ऑल द स्टेट्स ऑफ लोकल मार्केट. मेनली इट इज अवेलेबल इन द स्टेट ऑफ बिहार, बट दिस अरिहंत बुक यू विल गेट एवरीवेयर. सो इफ यू आर अनएबल टू गेट लूसेंट बुक, यू कैन गो फॉर दिस बुक. दिस इज द हिंदी वर्सन ऑफ द बुक. आई विल ऑल्सो शो यू द इंग्लिश वर्सन ऑफ द सेम बुक. See, this is the English version of the same book. And this is again the latest edition. This book, I am talking about, मैं इस book की बात कर रहा हूँ. इस book देखिए, ये again अरिहंत का general knowledge का book है. ये 2021 का edition है. ये English medium का सबसे latest edition है अभी तक का. This is the latest edition of English medium GS portion. So, इफ़ यू आर कम्फर्टेबल इन इंग्लिश, अगर आप इंग्लिश मीडियम से तैयारी कर रहे हैं तो आप जनरल नॉलेज के लिए जिसमें आपको सोशल साइंस, साइंस, स्टैटिक जीके वाला पोर्शन कवर करना है, तो आप ये वाला बुक हर हाल में प्रीफर आपको करना ही होगा. ये अदरवाइज लूसेंट जीके, एनी ऑफ द वन. और अगर आप इंग्लिश का पोर्शन कंप्लीट करना चाहते हो, सी दिस इज अनदर वन एडिशन ऑफ द सेम अरिहंत जीके बुक for 2022. This is another edition of Arihant General Knowledge 2022. So this Arihant book is very very much important for NDA written examination. अब हम पढ़ते हैं अपने, if you want to strengthen your mathematics part, if you want to strengthen your mathematics part to a great extent, अगर आप मैथ में अपने आप को बहुत ज़्यादा पकड़ बनाना चाहते हो और आप एनसीईआरटी और पाथ फाइंडर के अलावा भी सोल्व करना चाहते हो क्वेश्चन, इफ़ यू वांट टू सोल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस टू स्कोर बेटर इन द रिटन एग्जामिनेशन, देन वन ऑफ द बेस्ट बुक रेकमेंडेड बाय मेनी ऑफ द एस्पिरेंट्स एंड मेनी ऑफ द मेंटर्स हु टीच फॉर द नेशनल डिफेंस अकेडमी रिटन एग्जामिनेशन इज मैथमेटिक्स फॉर एनडीए एनए रिटन बाय आरएस अग्रवाल. दिस बुक इज रिटन बाय आरएस अग्रवाल एज यू कैन सी हियर. Mathematics for NDA NA written by R.S. Agarwal. You can take the screenshot of this book once. I hope you have taken the screenshot of this book. And this book is very very much important for mathematics concept plus advanced type of question. In this book, you will get question from basic level to advanced level, and also the previous year question. Previous year question which has already appeared in the NDA written examination. आपको इस book में क्या क्या मिलेगा, पहले तो आपको basics मिलेगा और उसके कुछ question solve करने के लिए उसका answer भी मिल जाएगा check करने के लिए, advanced math भी मिल जाएगा क्योंकि आने की संभावना है, और previous year question भी मिल जाएगा जो NDA में आ चुका है. तो ये book important है math के लिए. अगर आप ये बुक नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो आपके लिए मैं एक और बुक लेकर आया हूँ. दैट बुक इज NDA NA, इट इज पब्लिश्ड बाय अरिहंत. सो दिस बुक इज NDA NA मैथमेटिक्स. यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस बुक. दिस बोथ द मैथमेटिक्स बुक्स
are available on the Flipkart and Amazon. You can order them, and even it is available in the local market also if you are living in town or cities. तो इस बुक में क्या है, 3000 प्लस चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर आल्सो एनालाइज्ड इन दिस. ये बुक में भी आपको बेसिक से एडवांस तक लेकर कंप्लीट एनालाइज क्वेश्चन किया गया है और उसे सोल्व भी कराया गया है. तो आप इस बुक को प्रीफर कर सकते हो मैथमेटिक्स पोर्शन के लिए. दिस इज पब्लिश्ड बाय अरिहंत पब्लिकेशन, सो यू कैन हैव अ कंप्लीट बिलीफ टू prepare for the mathematics section of National Defence Academy examination. I hope now you have got clear cut idea about mathematics. I hope आप लोग को सभी बहुत clear cut idea आ गया होगा. एक अभी देखिए GK book के लिए एक और book आपके screen के सामने है, that is General Knowledge Arihant. This already I told you earlier. Now we will move over to English. Suppose if you want to improve your English to a great extent, क्योंकि English का वेटेज अभी अभी मैंने आपको बताया कि 200 mark का होता है, which is very very huge. Out of 900 mark, 200 mark comprise only in English. So if you are good at English, you can clear this NDA examination, mainly the GS portion, by having good command on English itself. अभी तो Pathfinder में भी English का portion मतलब बहुत सारा कवर किया गया है, बट स्टिल इफ यू वांट टू इम्प्रूव योर जनरल इंग्लिश मेनली द ग्रामेटिकल पार्ट, एंटोनिम सिनोनिम पार्ट, एंटोनिम पार्ट, सिनोनिम पार्ट, देन इडियम्स पार्ट, देन एरर पार्ट, एंड पी क्यू आर एस रीअरेंजमेंट पार्ट एंड पैसेज पार्ट, इफ यू वांट टू बिकम वेरी स्ट्रांग इन दिस syllabus of National Defence Academy, then I have few English books also available for you. This book I have taken from the Flipkart, and many of the defence aspirants choose this book to prepare for the NDA and various other competitive examination. And the book which I am saying you, this book which is appearing on your screen, ye book aapko sirf NDA hi nahi complete karwayega, ye book se aap CDS, NDA, SSC, रेलवे, इस तरह के सारे एग्जाम आप इस बुक से ही क्रैक कर सकते हो. एनडीए का पोर्शन, सीएपीएफ आल्सो. आई होप इट इज़ क्लियर कट इन योर माइंड अबाउट इंग्लिश. नाउ आई हैव फ्यू मोर इंग्लिश बुक इफ़ यू वांट टू हैव अ मोर इफेक्टिव एंड मोर क्रिस्प एंड क्लियर अबाउट इंग्लिश, mainly about the vocabulary part, then I have few books like Word Power Made Easy by Norman Lewis. This is again preferred by most of the aspirants who prepare for the English portion of the any of the examination. But I maximum I would suggest this book only, because in this book everything is all the contents are verified, and even the previous year questions of NDA, CDS and are available in this general English book. So I would maximum emphasize this book only to buy. So please go for this book. You can take the screenshot of this book. Till now, I hope all of you have got the book list of this NDA written examination in your mind. Now I'll tell you few important things. That what are the books you must read apart from NCERT. Already I showed you many of the book. But now I'll tell you the important formulas, important tricks, that what are the books you must read other than your NCERT to have a clear cut instruction, to have a clear cut idea in your mind about the NDA examination. First thing is Pathfinder. Already I told you earlier, Pathfinder ka jo book jo ki dono भाषाओं में अवेलेबल है, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश में, आप इससे सॉल्व कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दिया गया है, आप इससे मैथ के, इंग्लिश के, साइंस के, सोशल के, ये सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. इसीलिए इस पाथफाइंडर को ब्रह्मास्त्र बोला जाता है एनडीए का. अगर आप सिर्फ पाथफाइंडर भी पूरा कंप्लीट पढ़ लें, अगर जैसे कि लोकल लैंग्वेज बोला जाता है कि चाट चाट कर पढ़ लें सिर्फ ये पाथफाइंडर को, तो आपका एनडीए आराम से क्लियर होगा, कोई नहीं रोक सकता है. अब हम बढ़ते हैं अपने जीके की ओर. तो जैसा कि मैंने आपको दो जीके बुक के बारे में बताया, एक था अरिहंत का जीके बुक, एक था लूसेंट का जीके बुक, तो आप इन दोनों में से कोई एक खरीद सकते हैं जो कि लेटेस्ट एडिशन का होना चाहिए.
जैसे कि अभी 2021-2 NDA रिटर्न एग्जामिनेशन आने वाला है, तो इसके लिए आप 2021 का एडिशन वाला बुक आइदर ऑफ लूसेंट और ऑफ अरिहंत खरीद सकते हैं अपने बेटर प्रिपरेशन के लिए। और मैथमेटिक्स बुक में अभी आपको मैंने दो बुक दिखाए, पहला RS अग्रवाल वाली मैथमेटिक्स बुक और NDA एंड मैथमेटिक बुक्स, इनमें से आप कोई भी एक बुक प्रिफर कर सकते हैं अदर देन योर NCERT। NCERT इज ओनली फॉर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, बट इफ़ यू वॉन्ट टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड यू वॉन्ट टू हैव अ क्लियर कट आइडिया अबाउट NDA क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, देन एनी ऑफ द टू बुक्स आर वेरी मच एसेंशियल टू क्रैक दिस NDA एग्जामिनेशन। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो आवर चैनल शॉर्ट ट्रिक्स, बिकॉज इन आर चैनल मेनी शॉर्ट ट्रिक्स अराउंड 50+ वीडियोज़ आर अवेलेबल ऑन आर चैनल। यू कैन वॉच ऑल दोज वीडियोज़, बिकॉज ये सभी वीडियो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर के एनालाइज करके ही बनाया गया है, और इस सारे वीडियो में जस्ट 2 से 3 सेकेंड में ही आपको आंसर मिलेगा। और इंग्लिश के लिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि वो अरिहंत वाला जनरल इंग्लिश बुक ले ले, क्योंकि वो वाला बहुत बेटर होगा। अरिहंत जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वाला बुक आप ले ले, ये वो जो पिंक कलर वाला कवर था। आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट क्लियर कट आइडिया अबाउट दिस जनरल इंग्लिश बुक। नाउ एवरी वन वॉज हैविंग कंप्लीट क्लियर कट आइडिया अबाउट मैथमेटिक्स सेक्शन, साइंस सेक्शन, जनरल स्टडीज सेक्शन, सोशल साइंस सेक्शन, बट वॉट अबाउट करेंट अफेयर्स? देयर आर अराउंड 10 to 15 करेंट अफेयर क्वेश्चन आस्क्ड इन एवरी NDA रिटर्न एग्जामिनेशन। सो फॉर दैट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल, बिकॉज वेन NDA एग्जामिनेशन आर नियर, वेन 1 month इज लेफ्ट फॉर द एग्जामिनेशन, वी विल पोस्ट वेरियस वीडियोज रिगार्डिंग करेंट अफेयर्स, एंड दोज वीडियोज आर गोइंग टू बी 100% सटीक। एंड क्योंकि ये सारे वीडियो मतलब पिछले कई साल के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके बनाया जाएगा, और ये बहुत सटीक एक ताबड़तोड़ तरह से क्वेश्चन लिए जाएंगे, और क्वेश्चन एग्जाम में आने की संभावना भी बहुत ज़्यादा रहेगा। तो करंट अफेयर्स के लिए आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं, मैथ के लिए, मैथ के शॉर्ट ट्रिक के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हैं, और फ्यूचर में GS पोर्शन के लिए भी शॉर्ट ट्रिक लाने जा रहा हूँ। मतलब अगर मैं आपको शॉर्ट में इस वीडियो का एनालिसिस दूँ, तो आपको कौन कौन से बुक कंपलसरी लेना है NCERT के अलावा। फर्स्ट थिंग इज पाथ फाइंडर इज मस्ट। सेकेंड थिंग इज एनी वन मैथ बुक। अभी आपको मैंने दो मैथ दिखाया, एक था RS अग्रवाल वाला मैथ बुक NDA NNA, और एक था अरिहंत वाला मैथ बुक। तो एनी वन मैथ गाइड फॉर NDA और GS सेक्शन के लिए एनी वन जीके बुक आइदर लूसेंट और अरिहंत जीके बुक। अब इंग्लिश के लिए फोर्थ पाथ फाइंडर इज कंपल्सरी फॉर एवरीथिंग। सो पाथ फाइंडर यू हैव टू बाय, पाथ फाइंडर एंड जनरल इंग्लिश। सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव गॉट क्लियर कट आइडिया अबाउट द बुक्स एंड वेरियस स्टडी मटेरियल्स विच यू हैव टू फॉलो टू क्रैक NDA रिटर्न एग्जामिनेशन इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो आपके लिए मेरे पास कुछ बुक्स के PDF अवेलेबल है। मैं आपको इतने सारे बुक्स आज दिखाया, इनमें से कुछ बुक्स के PDF मेरे पास अवेलेबल हैं, जैसे कि ये वाले बुक जो मैं आपको, जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं इसका PDF आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। अगर आप इसका PDF चाहते हैं, इफ़ यू वांट द PDF ऑफ दिस बुक, दैट टू फ्री ऑफ कॉस्ट, because if you go to market to buy this book, it would cost you around 500 rupees, but you will get the PDF of this book free of cost. आपको इस बुक का PDF free of cost मिलेगा इस चैनल को सब्सक्राइब करने पर। आप इस चैनल के टेलीग्राम
पे ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा। वहाँ से जाकर आप इस बुक के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, मैं वहाँ पे अपलोड कर दूंगा। अभी आपके नॉलेज के लिए मैं इस बुक के पीडीएफ को दिखा दे रहा हूँ। यू कैन हैव अ क्लियर कट व्यू ऑन द पीडीएफ ऑफ दिस बुक। लाइक सी आई हैव ओपन द पीडीएफ, सी दिस इज द पीडीएफ ऑफ द बुक विच आई टोल्ड यू अर्लियर। सी इट इज ऑफ अराउंड 791 पेजेस, एज यू कैन सी हियर दिस बुक इज ऑफ 791 पेजेस। सी दिस बुक हैज़ गॉट 791 पेजेस। इन दिस बुक ऑल द चैप्टर्स इज अनालाइज वेरी केयरफुली। ऑल द चैप्टर्स, देर आर अराउंड 31 चैप्टर्स विच इज गिवन इन द बुक एंड इट इज अनालाइज। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आर ऑल्सो गिवन। सी ईयर प्रीवियस ईयर पेपर्स आर ऑल्सो सोल्व। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा। सिर्फ 2019 का ही नहीं बल्कि प्रीवियस 5 to 6 ईयर क्वेश्चन पेपर, आपको इसी तरह से सारे चैप्टर का प्रीवियस ईयर एनालिसिस A to Z आपको मिल जाएगा। इसीलिए आप इस चैनल के टेलीग्राम से जुड़ जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें तो आपको इसके पीडीएफ वगैरह में कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं आपके लिए एक और बुक लाया हूँ जहाँ पे आपको प्रीवियस 14 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर मिल जाएंगे। इफ़ यू वॉन्ट टू गेट NDA एंड NA प्रीवियस 14 ईयर्स मैथमेटिक्स बुक, इस बुक में पिछले 14 साल में जो जितने सारे क्वेश्चन आए हैं मैथ में, जितने सारे क्वेश्चन चैप्टर वाइज इस बुक में एनालाइज कर उसका आंसर सारे मतलब PDF के रूप में तैयार है। ये बुक दिशा के द्वारा पब्लिश किया जाता है, जैसे कि मैं आपको अभी प्रूफ के रूप में दिखा दे रहा हूँ। नाउ आई शो यू द PDF ऑफ दिस बुक एज अ पार्ट ऑफ द प्रूफ। यू कैन सी द एनालिसिस ऑफ द डिटेल ब्रेकअप ऑफ द क्वेश्चन फ्रॉम 2007 to 2019, दैट हाउ मेनी क्वेश्चन केम फ्रॉम विच चैप्टर। लाइक आई वुड लाइक टू इंक्रीज द साइज ऑफ द इमेज। नाउ इफ यू सी द सर्कल चैप्टर, द टू क्वेश्चन वाज आस्क्ड हियर 2, 3, 2, 1, लाइक इन एवरी ईयर अराउंड 2 to 3 क्वेश्चन आर आस्क्ड फ्रॉम सर्कल। लाइक दैट एवरी चैप्टर इट इज एनालाइज वेरी केयरफुली एंड दिस बुक हैज गॉट ह्यूज इंपॉर्टेंट एंड दिस बुक कंसिस्ट ऑफ 593 पेजेस। अगेन इफ यू बाय दिस बुक इट वुड कॉस्ट यू अराउंड 300 रुपीज, बट आई एम गिविंग दिस बुक फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन सब्सक्राइब द चैनल एंड ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप। लाइक फर्स्ट चैप्टर विच इज अपियरिंग ऑन योर स्क्रीन इज अबाउट सेट रिलेशन एंड फंक्शन। सी ऑल द क्वेश्चन which is there is previous year from 2019-20 का भी क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 2017-2019 तक का भी क्वेश्चन आपको इस PDF में मिल जाएगा। सो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस चैनल से जुड़ जाएं ताकि आपको मैं बहुत सारे स्टडी मटेरियल फ्री ऑफ कॉस्ट में NDA रिटर्न एग्जामिनेशन के लिए प्रोवाइड कराऊंगा। देखिए अभी 2015 का क्वेश्चन पेपर मतलब क्वेश्चन पेपर है, यहाँ पर 2017 का, 2018 का, 2019 का, यहाँ पर 2019 मतलब 2006 से लेके 2019 तक का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विथ आंसर्स इट इज़ अवेलेबल इन द PDF फॉर्म फॉर द फ्री ऑफ कॉस्ट। सो यू कैन ज्वाइन द चैनल। See, even solutions are also given at the back of every chapter. So you can have a complete belief on this channel. Now I'll show you for the GK part. This was for the math part. Now I'll show you for English and GK part. That 14 years previous year paper was for math. But this 14 year previous year paper is for what? This is for English and general knowledge. If you want to have a complete detailed question paper all in one previous year question paper from 2006 from 2006 to 2019 up to 14 years question papers are available in this PDF. I would like to show you the PDF. This book will cost you around 200 rupees, but you will get at free of cost. So it consists, again you can see the analysis of the previous year question paper, that how many questions came from what chapter. I'll show you the antonym synonyms. Like if you see the synonyms part which came in NDA examination from 2006
टू टिल नाउ हाउ मेनी इंटरनेशनल नेम्स केम, एवरीथिंग इज मेंशनड हियर, एवरीथिंग इज एनालाइज, आई विल शो यू, सी अगेन टू 2013, 2014, एवरीथिंग इज एनालाइज एंड गिवन इन दिस PDF. So this the three PDFs which I showed you, all three PDFs are very much important because everything is previous year question paper. See all these all set, this came into 2091. This complete question came into 2091. Not only English, all science, soil science, everything is available in this PDF. So at last I would like to say that if you want the PDF of this book, you can have a complete belief on this channel so that you will get the PDF free of cost. You can like the channel, you can subscribe the channel to get the free study material to crack NDA and score maximum 600 plus mark in your NDA written examination. So you can suggest the channel to your friends, colleagues, junior, senior, whoever is preparing for the NDA examinations. So thank you friends for tuning till the end. Jai Hind.